ओके, आज हमें स्टडी करना है वांट हॉप कॉपीशियंट। ठीक है, वांट ऑफ गुणांक, वांट हॉप गुणांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं वांट ऑफ कॉपीशियंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई यानी वैल्यू ऑफ वांट ऑफ कॉपीशियंट। ठीक है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू ऑलवेज वन होती। क्या होती है? वन। इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एम नॉर्मल नॉर्मल सब एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में है? मैंने कहा फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का आई जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूं ग्रेटर देन वन एज वेल एज लेस देन वन, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस पे। तो आपसे मैं कहूं दो केस स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, आपसे मैं कह रहा हूं इफ इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, आपसे मैं कहूं हो यानी डिसोसिएशन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस केस में हमेशा आई ग्रेटर देन वन होगा। फिर केस सेकंड स्टडी करेंगे इफ आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन, आपसे मैं कहूं जब एसोसिएशन होता है तो लेस देन वन। बोलो बात समझ में? तो ये दोनों केस मुझे आपको स्टडी कराने हैं। बात समझ ना? ओके, आपसे मैं कह रहा हूं वांट ऑफ कॉपीशेंट की वैल्यू की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन और इलेक्ट्रोलाइट के लिए या तो लेस देन वन या ग्रेटर देन वन। तो मैंने कहा ग्रेटर देन वन कब होती है? जब डिसोसिएशन केस होता है। लेस देन वन कब होता है? जब एसोसिएशन केस होता है। तो फर्स्ट केस हेडिंग डालोगे, आपसे मैं कह रहा हूं केस फर्स्ट। ठीक है, मैंने कहा इफ इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, आपसे मैं कहूं हो यानी डिसोसिएशन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छे से समझना, इधर ध्यान देना। मैंने कहा एक बात तो श्योर है कि जब जब डिसोसिएशन होगा आई ग्रेटर देन वन होगा। क्लियर? अब हम आई कैसे पता करेंगे? तो मैंने कहा इसमें भी दो, आपसे मैं कह रहा हूं पहला
आपसे मैं कहूं आई फोर, यानी मैंने कहा यदि इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपसे मैं कहूं हो, डिसोसिएशन केस में इफ आपसे मैं कहूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, और नंबर टू इफ वीक आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपसे मैं कहूं हो, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन केस और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, इधर देखो, होगा तो ग्रेटर देन वन, लेकिन इस केस में बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उस केस में आई जो होता है वो इक्वल टू एन होता है, ठीक है। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ टोटल आइंस, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आइंस। इधर देखो, मैंने कहा आपको पूछे NaCl का आई, तो Na ब्रेक इन Na प्लस और Cl माइनस, तो I इज टू, बोलो बात समझ में, नंबर ऑफ टोटल आइंस, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहां पर कोई मुझे पूछे K2SO4, तो 2K प्लस SO4 माइनस 2, I इज 3, बोलो बात समझ लो ना। ओके, मैंने कहा AlCl3, तो Al प्लस 3, 3Cl माइनस, I इज 4। आपसे मैं कह रहा हूं कोई मुझे कहे K4FeCn6, तो मुझे पता है 4K प्लस FeCn6 माइनस 4I इज 5, बोलो बात समझ में। ओके, मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बोलो आई डिसोसिएशन केस में होगा तो एक से ज्यादा, लेकिन डायरेक्ट एन के बराबर तो कह नहीं सकता, बिकॉज ये तो 100% ब्रेक होते हैं, इनका तो कुछ पार्ट ब्रेक होता है, तो इनका आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब आई माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। इधर ध्यान देना, मैंने कहा यहां अल्फा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, मैंने कहा एन क्या होगा, नंबर ऑफ आइंस, आई क्या होगा, वही वॉन्ट हॉफ, आपसे मैं कह रहा हूं कॉफी शेंट। सपोज दैट कभी फॉर्मूला भूल गए, या आपको पता लगाना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो मैंने कहा यहां पर नॉट, अगर मैं आपसे कहूं इफ अल्फा इज इक्वल टू 100%, तो आपका आई एन के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आपसे मेरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है 100%, बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा 100% या 1A की बात होता है, ये आई माइनस वन एन माइनस वन आपसे मैं कह रहा हूं, तो एन माइनस वन आई माइनस वन, तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया होगा कि आई इज इक्वल टू एन, बोलो बात समझ में। इसका मतलब हुआ कि ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्मूले को चेक करेंगे, बोलो बात समझ में। अब आपने देखा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका अल्फा 10% 20% 50% 70% 99% 100% तो नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ इसके लिए तो इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूं, पहले ही नोट करो।
यही बात समझ में आपको? ओके, इस वाले पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आ गया, ठीक है? बात समझ ना, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है। एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ हो, अगर उसका अल्फा गिवन है तो वो हमेशा वीक होगा। बात समझ में आए? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फाइंड आउट, आपसे मैं कहूं वैल्यू ऑफ वांट, आपसे मैं कहूं हाफ, ठीक है, कोफिशिएंट, आपसे मैं कहूं फॉर एससीएल, ठीक है, बोलो, आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, बोलो आपसे 1.5, 2.5, क्लियर? सेम क्वेश्चन आपको ये है कि फाइंड आउट, आपसे मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑफ वांट, आपसे मैं कह रहा हूं होप, ठीक है, कोफिशिएंट, आपसे मैं कहूं फॉर एससीएल, ठीक है, इफ, आपसे मैं कहूं अल्फा ऑफ एससीएल इज 50%, बोलो बात समझ ना, सेम ऑप्शन है 1, 2, 1.5 और 2.5, बताओ आंसर सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? बोलो अलग अलग होगा, क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं इसका तो जब कुछ नहीं बोला तो SCL में 100% तोड़ दूंगा और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इस वाले केस में मुझे अल्फा दे रखा है तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1, तो मैंने कहा गिवन है अल्फा, बोलो 50% का मतलब 0.5 और N तो कितना हो गया 2, तो आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ 0.5 I-1 2-1, बोलो I इज इक्वल टू 1.5, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। तो आपको मैंने क्या कहा कि आप ये तो कभी सोचो ही मत कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है, जिसका अल्फा गिवन वो वीक, जिसका नहीं गिवन वो स्ट्रॉन्ग, बोलो बात समझ में आए? ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई। एक आपसे पूछता हूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? मैंने कहा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वांट ऑफ कोएफिशिएंट फॉर H2CO3 इफ, ठीक है, इफ डिग्री ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं डिसोसिएशन, ठीक है, ऑफ H2CO3 इज, मैंने कहा 40%, ठीक है, करोगे? ऑप्शन आपके पास 2.8, 1.8, ठीक है, ठीक है, 3, चलो देखते हैं। वेरी इजी,
क्या आया? डी डी क्या आएगा बोलो? अरे वेरी इजी। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि अल्फा दे रखा तो आई माइनस वन एन माइनस वन से होगा। ये थोड़ा बहुत भी भूल जाओ तो तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। गिवन क्या है? अल्फा इज 40% मतलब 0.4। एन कितना हो गया? 3। कैसे पता करता हूं 3 समझ में आया बोलो? ठीक है, फिर भी पता नहीं चले तो आपसे मैं कहूं 2H प्लस और CO3 माइनस 2, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर ये पता चल गया तो वैल्यू रखनी है 0.4 आई माइनस वन, 3 माइनस वन 0.4 आई माइनस वन, यहां बचा 2 तो आपसे मेरे को 0.8 आई माइनस वन बोलो 1.8। क्लियर बात? सब ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, कोई सा भी आए अपन कर सकते हैं। अल्फा 20 40 50 90 कोई भी दे, कोई मत दिक्कत नहीं, कोई भी दे मुझे। अल्फा देगा तो मैं स्ट्रांग होगा तो भी वीक मान लूंगा, और वीक देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो बात समझ ना? ओके, जान के मैंने एससीएल वाला क्वेश्चन कराया, समझ में आया बोलो आपको? ठीक है कि आपका ऐसा नहीं, मैं तो एससीएल मेरे तो बचपन से पढ़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं अल्फा अल्फा बेवकूफ बनाने के लिए दिया नहीं, अल्फा दिया है तो अल्फा यूज करना है। ओके, पहला केस समझ में आया डिसोसिएशन। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? 1.8। क्लियर? नाउ केस सेकेंड, ठीक है। इफ आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो बोलो? एसोसिएशन, ठीक है, हो। एसोसिएशन को हिंदी में संघुणन भी बोलते हैं, संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसोसिएशन, इफ एसोसिएशन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगेन मैंने कहा यार इसमें भी दो हो सकते हैं, एक आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हो, यानी उसका एसोसिएशन हो, और एक आपसे मैं कहूं वीक, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं वीक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन का एसोसिएशन हो, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन, ठीक है। इधर ध्यान देना, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आपसे मैं कह रहा हूं एसोसिएशन में क्या होगा? आई इज इक्वल टू मैंने कहा 1/n, ठीक है, और यहां पर n क्या होगा? मैंने कहा नंबर ऑफ मॉल ऑफ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझना कैसे? इधर देखो, ध्यान दो, इधर मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसके टू मोल ने मिलकर बोलो डाइमर बना दिया, बताओ तभी तो एसोसिएशन होगा ना। तो मुझे कोई कहे इसका आई क्या होगा तो मैं कहूंगा 1/2। ये श्योर है कि एसोसिएशन केस होगा तो आई लेस देन 1 होगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, मैंने कहा मुझे कोई कहे एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके तीन मोल मिलकर ट्राइमर बनाते हैं, अगेन एसोसिएशन केस हो गया, आई क्या होगा? 1/3। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एसोसिएशन केस में आपका आई क्या होगा? 1/n। क्लियर आसरण में? कोई मुझे के टेटामर बनाता, पेंटामर बनाता, हेक्सामर बनाता, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन होगा तो उसका तो अल्फा होगा, अल्फा इस बार डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा कि 20% एसोसिएशन हुआ, 50%
कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही फॉर्मूला, वह n माइनस वन था या 1 माइनस n हो जाएगा, क्लियर, मतलब डिट्टो फॉर्मूला। बस यहां पर बोलो अल्फा क्या है, आप कहोगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बोलो बात समझ में है, संगुणन की मात्रा, ठीक है, बात मेरी समझे कि नहीं समझे, बोलो बात समझे, बोलो। अगर मुझे ऐसा एग्जाम्पल दे कि ए बी आपसे मैं टू मोल चेंज इन, आपसे मैं कह रहा हूं ए बी होल क्वाइज टू, ठीक है, बोलो आपसे को आ जाए इफ डिग्री आपसे मैं करूं ऑफ एसोसिएशन, बोलो आपसे मैं कहूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन इज 50%, फाइंड आउट आपसे मैं कहूं आई, ओके, तो बताओ मैं करूंगा, मुझे बोल दिया तो जब भी बोलो ये दे रखा होगा तो मेरा तो यही होगा आई माइनस वन वन अपॉन एन माइनस एन, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बोलो यहां पर भी मैंने कहा एन क्या है, बोलो वही नंबर ऑफ मोल ऑफ बोलो इलेक्ट्रोलाइट, एक बार आप समय को जिसको हमने बनाया वही रहेगा, क्लियर। इधर देखो मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, अल्फा कितना है 0.5, बात समझ में आई, ओके आई माइनस वन, बात समझ रहे हो मेरी, यहाँ पर 1/2, मैंने कहा क्या करूंगा यहाँ पर बोलो 2 माइनस 1, क्लियर, सोल्व करूंगा, बोलो आपसे मैं कहूँ ये माइनस का 0.5 इधर जाएगा तो माइनस का बोलो 0.25 होगा, यस या नो, अरे माइनस फाइव मल्टीप्लाई होगा, बोलो 0.5, बोलो 0.5 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। आपसे मैं कहूं आई माइनस वन तो आई इज इक्वल टू 0.75 आएगा, यस या नो, आया लेस देन वन, क्लियर। हालांकि मैं बता दूं ये वाला केस अपने नहीं के बराबर यूज आता है, लेकिन चूंकि मैंने आपको एक बात कही कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो एक बात कही, ये वाली चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि आपके हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जब तक एसोसिएशन डिसोसिएशन केस नहीं बोले तब तक उसकी वैल्यू लेस देन वन भी हो सकती है और ग्रेटर देन वन भी हो सकती है। अगर हम एक डिसोसिएशन केस ही पढ़े, ज्यादातर 99.99 यही काम आता है, अगर ये केस नहीं पढ़े तो कभी कभी आप गलती कर सकते हो, बोलो इसलिए मैंने दोनों केस पढ़ा है, तीसरा तो कोई होता ही नहीं है, बोलो बात समझो ना, आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके, आपसे मैं कह रहा हूं नोट कर लो, आया समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बाकी एसोसिएशन केस हमारे कहीं काम नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आपसे मैं कह रहा हूं कि आपसे मिस्टेक हो सकती है अगर आप पूरा ध्यान नहीं रखो तो।
आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, तो हम दोनों केस स्टडी कर चुके, मतलब हम आई को अच्छे से जान चुके हैं। अब आई का यूज करके कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके लिए पहले स्पेशल नोट, ठीक है? ये तो आई तो समझ में आ गया, बोलो आपको हो गया था नोट? ओके, अब मैं आपसे कहूं पहले स्पेशल नोट। हमने देखा कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब स्पेशल नोट नंबर वन, मैं आपसे कह रहा हूं रिलेटिव, थोड़ा ध्यान दो, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपसे मैं कह रहा हूं एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब आई ज्यादा तो ये ज्यादा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कहा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपसे मैं कह रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बात समझ ना? उसके बाद इधर ध्यान दो, मैंने कहा कि अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, खाली बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। फिर मैंने कहा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खाली फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है, खाली हिमांक पूछे तो आई के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खाली वेपर प्रेशर अगर मेरे से कभी कोई पूछेगा, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं वास्तव अगर मुझे कोई पूछेगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई के होगा। मैंने सात बातें बताई है, ये दो बातें ऐसी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी अपन देखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो आपको मेरी, ठीक है, हो गया। आपसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं आपसे कहा ठीक है फाइंड आउट, ठीक है, हाईएस्ट वांट ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं ए ए एल टू एस ओ फोर होल क्वाइज थ्री, बी ठीक है एन ए टू एस ओ फोर, सी ए एल सी एल थ्री, डी एन ए सी एल, क्या होगा आंसर बोलो। सबसे ज्यादा वॉन्ट ऑफ कॉफिशियंट किसका है, हैं? डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि हमने देखा कि एल टू एस ओ फोर होल क्वाइज थ्री ब्रेक होगा तो टू एल प्लस थ्री और थ्री एस ओ फोर माइनस टू, आई की वैल्यू कितनी हुई फाइव। अब से मैं कहूं बाकी तो आप चाहे एन ए टू एस ओ फोर की करोगे तो आप सब मतलब नजरों नजरों में पता चलना चाहिए, देखते ही ऐसे कोई तोड़ा तोड़ी हो तो एक दो बार तो कर रहे हैं, बाकी तो आपको देखते कि आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर फोर और NaCl का Na प्लस और Cl माइनस का टू,
ओके अब आप समय ने कहा हुआ ये क्वेश्चन नंबर टू, बस इसी का यूज करके आप पूछा जाता है कि आप समय कह रहा हूं फाइंड आउट, मैंने कहा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, आप समय को इन दिस इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, ए KCl, B K2SO4, C मैंने कहा C6H12O6, D यहां पर लिखा मैंने यूरिया, क्लियर। तो अब आपसे मैं कह रहा हूं आपको जैसे ही देखा आपने देखा यार मुझे सॉरी ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर दिया मैंने बोलो आपसे मैं कहूँ AlCl3 ठीक है, जैसे आपने देखा कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है क्लियर, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग चलना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आई कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मुझे पता चला कि मुझे तो लोएस्ट पूछा है तो इसका मतलब जिसका आई कम होगा उसका ये कम होगा, तो आई किसका कम है बोलो इसी का क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आई बोलो KCl का आई कितना है बोलो आपसे मैंने कहा टू, बोलो K2SO4 का कितना है बोलो आई इज इक्वल टू थ्री, बोलो C6H12O6 का कितना आई वन, और आपसे मैं कहूँ AlCl3 का आई कितना है फोर, तो ऐसे ही करेंगे बार बार तोड़ेंगे थोड़ी, बोलो बात समझ में, मेरी बात समझ में आए, मतलब अल्टीमेटली आंसर तो आई से ही निकालना है, लेकिन आपसे मैं कहूँ वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछ करके इनडायरेक्ट आपको पता लगा है, मतलब समझ में आया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको पूछा कि आई किसका ज्यादा है, बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें मैं बॉइलिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस यही पूछूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उन सबका आंसर किससे निकाला जाता है वॉन्ट ऑफ कॉफिशियंट से, किससे निकाला जाता है वॉन्ट ऑफ कॉफिशियंट से, वो सात पॉइंट बताया ना मैंने आपको। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री आए समझ में बोलो, अब आपको बताना ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने आपसे कहा फाइंड आउट ठीक हाईएस्ट, मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं ए बी सी डी के फोर एफ ई सी एन सिक्स ठीक है L2SO4 होल पास 3 AlCl3 आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर लिया मैंने ठीक है NaCl, क्या होगा बोलो, वेरी सिंपल, आप तो ये सोचो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आई के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हाईएस्ट का मतलब ये लोवेस्ट किसका है बोलो NaCl, इनके अंदर जो गिवन मुझे ऑप्शन है बोलो बात समझ में आए, गिवन ऑप्शन के अंदर बोलो आपसे मैं करूं जो NaCl है उसका क्या है सबसे कम है, ठीक है मैंने कहा क्वेश्चन नंबर आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बताऊं मैं आपको ठीक है, मैंने कहा यहां पर KCl NH2CO NH2 ये कौन है बोलो यूरिया, क्लियर आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है Na2SO4 एंड आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा ठीक है AlCl3, यहां पर मैंने कहा फाइंड आउट ठीक है नंबर वन, एक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है, नंबर टू इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, छोटा थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, छोटा फोर्थ, आपसे मैं कह रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, मैंने कहा ठीक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, छोटा फिफ्थ, मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन ऑफ, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, ये फाइव आप करो। बात समझ में आई, बोलो आपको। हो गया ठीक है, इधर देखो, आपसे मैं कह रहा हूं यहां अगर हम सॉल्यूशन करें, सबसे पहले हमें पता हो जाना चाहिए केसीएल का टू, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है, यूरिया का आई क्या होता है, आपसे मैं कहूं वन, ठीक है, Na2SO4 का बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आई क्या होता है थ्री, और AlCl3 का आई क्या होता है फोर, ओके। नाउ फर्स्ट मेरे से पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने कहा यार ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब हुआ कि आप समय को जिसका आई ज्यादा उसका ओपी ज्यादा, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले उसको रखूंगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, इसका मतलब आई ज्यादा हो, तो सबसे पहले AlCl3, बात समझ में, AlCl3, उसके बाद Na2SO4, उसके बाद आपसे मैं कहूँ KCl और उसके बाद यूरिया, आई थिंक फर्स्ट समझ में आया आपको। सेकंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा यार बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्लियर,
तो आपसे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो जिसका सबसे कम होगा वो सबसे पहले रखूंगा। तो यूरिया फिर हो जाएगा KCl, फिर हो जाएगा Na2SO4 और फिर हो जाएगा AlCl3। बात समझ में आई? बोलो ओके। वो कूलर बंद कर देना ठीक है जल्दी। यहां से नहीं, यहां से नहीं, वहां से बस हो गया, हो गया ओके। बात समझ में आई? बोला आपको। उसके बाद आपसे मैं कहूं नंबर थ्री इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, इधर ध्यान देना। वेपर प्रेशर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है? चलो डायरेक्टली वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ओके। तो आपसे मैं करूं, क्या पूछा है यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ, क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले वो रखना पड़ेगा जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम हो। बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना वेपर प्रेशर का, तो जिसका वेपर प्रेशर कम हो। तो वेपर प्रेशर कम किसका होगा? जिसका आई ज्यादा हो। बोलो बात समझ में आए? तो इसका मतलब AlCl3 बोलो ऐसे ही करूंगा मैं। बोलो फिर आपसे मैं कहूं Na2SO4, फिर कौन आएगा? KCl, फिर कौन आएगा? यूरिया। आई होप आपको ये भी समझ में आया। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने कहा यार डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और मैंने यहां पर देखा कि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, मतलब जिसका आई ज्यादा उसका ये भी ज्यादा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? AlCl3 ज्यादा, देन Na2SO4, देन KCl, देन यूरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था डिक्रीजिंग ऑर्डर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, मतलब आप समझ गए। बोलो कि क्या हो जाएगा? बोलो यहां पर सेम AlCl3, देन Na2SO4, देन KCl, देन यूरिया। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आया समझ में? बोलो ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ये तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपको पूछा जाता है? फाइंड आउट, ठीक है, आपसे मैं करूं हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फाइंड आउट हाईएस्ट आपसे मैं कह रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। ऑप्शन है 1, आपसे मैं कहूं MaCl3, समझना ठीक है, 1 MaCl3। दूसरा बी है आपका, बोलो यहां पर 1 MkClC1m, बोलो मैंने कहा K2SO4 और D1M यूरिया। क्या होगा फटाफट बताओ? आप कहोगे डेफिनेटली यही होगा। अब देखो आपको मैं यही क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा हूं। मैंने कहा अगेन फाइंड आउट, आपसे मैं कह रहा हूं हाईएस्ट, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझना मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 1 MaCl3, दूसरा ऑप्शन है 2 MkCl, ठीक है, बात समझना। तीसरा ऑप्शन है आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, 5 M, मैंने कहा यहां पर C6H12O6, और D मैंने लिखा यहां पर 3 M, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा यहां पर 2 M और K2, आपसे मैं कह रहा हूं
सपोर्टेड, मैंने कहा एसओ फोर, क्लियर, बात समझ में आई, बताओ किसका ज्यादा होगा। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आई इंटू सी आर टी, जब सी इक्वल हो तो खाली आई देखोगे, जब सी इक्वल नहीं हो तो हमेशा चेक करना आई इंटू सी से। तो इसमें तो आपका पता चला कि आपसे मैं कह रहा हूं पाई ए एल सी एल थ्री तो हो गया बोलो फोर, आपसे मैं कह रहा हूं आर टी, क्लियर, बिकॉज सी इज वन, बात समझ में आए। यहां पर मैं आपसे कहूं के सी एल करोगे तो टू इंटू टू बोलो आर टी, मतलब कितना हुआ बोलो फोर आर टी, आप समझे मैं क्या बताना चाहता हूं, क्लियर। मैंने कहा यहां पर सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स बोलो यहाँ 5 इंटू वन आर टी मतलब 5 आर टी, लेकिन अगर जैसे ही मैं बोलो इसका करूंगा बोलो के टू एस ओ फोर, तो आपने देखा कि बोलो 3 इंटू टू आर टी, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 6 आर टी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने आपको वन टॉप कॉफिशियंट क्या होता है और उससे कैसे यूज कर सकते हो वो बताया, क्लियर, ओके।